दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अर्निंग प्रूफ देख लो। आप लोग देख सकते हो 15.8 के डॉलर से 252.3 के डॉलर अर्निंग कर रहा है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 179.3 के डॉलर से 3 मिलियन डॉलर अर्निंग कर रहा है। तो ये ईयरली का डॉलर है एंड यहाँ पे ये मंथली का डॉलर है, मतलब अर्निंग है। एंड इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कि कितना ज़्यादा पैसा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 15.8 के डॉलर है। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे 15 के डॉलर को ही मतलब कैलकुलेट करता हूँ, मतलब 15,000 डॉलर को। तो मैं सिंपली बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को 15,000 डॉलर को यहाँ पे मतलब कन्वर्ट करके बता देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे 15,000 डॉलर सर्च करता हूँ, 15,000 है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे पैसा आ गया, आप लोग देख सकते हो। तो इसको आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कितना ज़्यादा पैसा है। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को ये चैनल आइडिया बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त कंटेंट लाया हूँ, एक ऐसा चैनल आइडिया लाया हूँ जो आप लोगों को इतना ज़्यादा अर्निंग करवाएगा। तो आप लोगों को मैं YouTube चैनल भी बताऊंगा YouTube पे जा करके, एंड कहाँ से वीडियो लेना है वो भी बताऊंगा, एंड उसे कैसे एडिटिंग करके YouTube के ऊपर अपलोड करना है वो भी बताऊंगा, एंड इसका मतलब कैटेगरी क्या होगा वो भी बताऊंगा, मतलब कि आप लोगों का वीडियो कैसे वायरल होगा। वायरल होने के लिए कैटेगरी निर्भर करता है, तो मैं आप लोगों को कैटेगरी भी बताऊंगा। एंड आप लोगों को जो भी कुछ भी डाउट रहेगा सब कुछ क्लियर करूंगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो कमेंट में बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ YouTube में। YouTube में आने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ सर्च वाले ऑप्शन में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ आने के बाद एक चैनल का नाम सर्च कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये चैनल में आ गया हूँ। ये चैनल आप लोग देख सकते हो मात्र 239 वीडियो अपलोड किया है, मतलब कितना कम वीडियो है। एंड यहाँ पे 21.4 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप लोग देख सकते हो 239 वीडियो में 21.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर है। ये किस प्रकार का वीडियो बनाता है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये ट्रेन है, तो ट्रेन वाला वीडियो बनाता है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी ट्रेन वाला वीडियो है, तो ये भी ट्रेन वाला वीडियो है। इतना ज़्यादा भी मतलब आप लोगों को ये इधर वीडियो दिखाई दे रहा है, ये सब ट्रेन से ही रिलेटेड वीडियो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो इस प्रकार का वीडियो बनाना सिखाऊंगा एंड आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड करना है। एंड इसका व्यूज बता दूं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 5 दिन में 28 के, 11 दिन में 17 के, 2 वीक पहले 1,91,000, 61 के। एंड आप लोग देख सकते हो इसका पहले आप लोग यहाँ पे देख लो लेंथ कितना ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब समझ सकते हो कितना कम लेंथ है। 3 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, मतलब कि 2 मिनट का वीडियो क्रिएट करना, ज़्यादा का लेंथ का वीडियो भी नहीं क्रिएट करना है। आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2-3 मिनट का यहाँ पे लेंथ का वीडियो क्रिएट करना है। एंड इसकी पॉपुलर की बात कर लूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3.6 बिलियन, आप लोग समझ सकते हो बिलियन में व्यूज है, मिलियन छोड़ो बिलियन में। एंड यहाँ पे 607 मिलियन, 487 मिलियन, 273 मिलियन, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे मिलियन में व्यूज गया। ये किस प्रकार का कंटेंट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये बच्चे लोगों को देखने वाला कंटेंट है। एंड इसमें कोई एक लैंग्वेज नहीं होता है कि आप लोग यहाँ पे इंडिया का ही हिंदी लैंग्वेज है तो केवल इंडिया का ही देख सकते हैं। ये मतलब जो है ना पूरा वर्ल्ड में देखे जाने वाला कंटेंट है, मतलब कि हर एक जगह का बच्चा, हर एक कंट्री का बच्चा ये देखता है। तो आप लोगों को ऐसा बनाना है। एंड आप लोगों को एक बात यहाँ पे दिखा दूँ तो आप लोग देख सकते हो ये वीडियो कब अपलोड किया गया है, 5 दिन पहले, 11 दिन पहले, 2 वीक पहले, मतलब कि यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो 5 दिन पहले अपलोड किया गया है एंड 11 दिन पहले अपलोड किया गया है, मतलब 5-6 दिन का गैप ले लेता है, मतलब कि एक सप्ताह में एक वीडियो अपलोड करता है। आप लोगों को भी ऐसा करना है। तो एक सप्ताह में एक वीडियो तो आसानी से अपलोड हो जाएगा क्योंकि संडे को सभी के पास छुट्टी होता है, तो आप लोग उस दिन वीडियो क्रिएट करके एंड कर लीजिएगा अपलोड। तो आप लोगों को सप्ताह में एक दिन एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे काम कर सकते हो। एंड मैं अब आप लोगों को ये बता दिया हूँ चैनल किस प्रकार से है, तो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इस प्रकार का कॉन्टेंट कहाँ से लेना है। तो इस प्रकार का कॉन्टेंट लेने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो गेम एप्लीकेशन है। मैं आप लोगों को प्ले स्टोर में जा करके सर्च करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आ गया हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को लिखना है हम्पी ट्रेन। आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, तो लिखने के बाद आप लोगों को सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे ट्रेन वाला गेम आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये ट्रेन वाला वैसा नहीं गेम है खेलने वाला, ये है मतलब आप लोगों को यहाँ पे मतलब बच्चे लोगों को देखने वाला। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1 गो है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, मतलब बहुत सारा यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाता है। तो आप लोग सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा, मान के चलिए ये इंस्टॉल कर लिए। एंड अगर आपके पास मतलब कि
ये इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कंटेंट खत्म हो जाता है, तो आप लोग इसे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ये भी खत्म हो जाता है, तो ये वाला आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट मिल जाता है। नीचे भी बहुत सारा ट्रेन का यहाँ पे गेम है, तो मैं सिंपली ये वाला इंस्टॉल कर लिया हूँ। आप लोगों को भी ये वाला इंस्टॉल कर लेना है, एंड उसके साथ आप लोगों को एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से कोई स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है तो आप लोग उसे लगा लीजिएगा, मतलब ऑन कर लीजिएगा। एंड अगर आपके पास नहीं है तो उसे डाउनलोड करके एंड ऑन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे प्ले वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस गेम को प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं, एंड यहाँ पे ये गेम ओपन हो जाएगा। कुछ परमिशन मांगेगा तो उसे अलाउ कर दीजिएगा। ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को ट्रेन सेलेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है कि कौन सा ट्रेन से आप गेम खेलेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ला लिया हूँ। एंड यहाँ पे इसका डब्बा लगने के लिए आया है, तो कौन सा डब्बा लगाना चाहते हो, तो ये मैं लगा लिया हूँ। ये लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे ये डब्बा है, तो आप लोग इसे लगा लिया हूँ। यहाँ पे आप लोगों को इसी प्रकार से लगा लेना है। एंड आगे करता हूँ, तो आगे जा रहे हैं एंड आगे जा रहा है। एंड उसी प्रकार से आप लोगों को गेम खेलते रहना है। जितना लंबा आप लोग चाहो तो वीडियो बना सकते हो। जैसे कि मैं वीडियो का लेंथ बताया हूँ 2 मिनट 3 मिनट है, तो आप लोग 2 मिनट 3 मिनट गेम खेल लीजिएगा। एंड उसके बाद ये टेलीफोन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक कार्ड आता है। एंड उसके बाद ये वाला उठा कर यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसको ये वाला जो मतलब उठा करके रखते हैं, तो यहाँ पे रख दिए हैं। एंड उसके बाद इसे पकड़ कर इसको देना है, तो ये हो गया एंड आगे बढ़ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को ये बंदा आया, तो इसको भी मतलब पकड़ करके ऐसी करना। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको कर लेता हूँ। एंड यहाँ से फिर से उठा करके एक कर लेता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे इसको पकड़ कर आगे दे देता हूँ। आप लोगों को जितना मन चाहे उतना लंबा वीडियो बना सकते हो। मैं आप लोगों को जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे छोटा सा क्लिप बनाकर बताया हूँ। अब आप लोगों को एडिटिंग करना है, आप लोग चाहो तो जितना लंबा बना सकते हो। एंड अब आप लोगों को एडिटिंग करना है, जो मैं बताने वाला हूँ काइन मास्टर से। तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए डायरेक्ट काइन मास्टर में चलता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं काइन मास्टर में आ गया हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है उस एप्लीकेशन से, उसे यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा गेम का स्क्रीन रिकॉर्डर है, जो मतलब जो भी खेला हूँ उस गेम में वो वाला यहाँ पे आ गया है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से कर लेना है, आप लोग देख सकते हो। तो इससे इसको यहाँ पे लाने के बाद आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट वाले पोजीशन पे आ जाना है, जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को वीडियो को आगे के लिए प्ले करना है। आप लोग देख सकते हो मैं आगे करता हूँ, यहाँ पे मैं होम में हूँ, यहाँ पे ट्रेन सेलेक्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आगे यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर लेना है एंड स्केची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ट्रिम लेफ्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ट्रिम लेफ्ट कर देंगे तो जो फालतू का पार्ट था पहले वाला स्टार्ट वाला वो खत्म हो जाएगा। एंड उसी प्रकार से लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल को सीधा कर लिया हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए, और पीछे करता हूँ जहाँ पे गेम एंड होता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा गेम मतलब खत्म होता है। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों को ट्रिम राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो राइट का पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रिम राइट कर लेता हूँ। ट्रिम राइट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लैक है, इधर ब्लैक है, ऊपर ब्लैक है, एंड यहाँ पे एक वाइट है। तो ये सबको खत्म करना है। तो ये सब खत्म करने के लिए आप लोग सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को सिंपली पैन एंड जूम में आकर के यहाँ पे आप लोगों को बराबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे दोनों फिंगर से पकड़ कर बड़ा कर लेना है। आप लोगों को इतना ज़्यादा बड़ा करना है कि आप लोगों को ये सब जो जो भी है मतलब ढक जाए। तो आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पर ढक गया। ढकने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर पीछे आकर बता देता हूँ, पूरा वीडियो में ढक गया है। एंड वीडियो अब आप लोगों का प्रॉपर तरीका से बनकर तैयार हो गया है। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे यहाँ पे वॉइस ओवर करना है। मतलब वॉइस ओवर अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं करना, क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कॉपीराइट से कैसे बचना है। तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कोई भी एक फिल्टर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से ओपेसिटी को यहाँ पे ज़्यादा या कम करके एडजस्ट कर लेना। आप लोगों को लगभग 50-60 के बीच में रख लेना है, ताकि ना ही ज़्यादा रहे ना ही कम रहे, तो आप लोगों को वीडियो देखने में भी अच्छा रहे। एंड उसके बाद सिंपली बैक आ जाना है। तो इससे करने से आप लोगों का यहाँ पे कॉपीराइट थोड़ा सा कम, मतलब कि थोड़ा सा डर खत्म हो गया यहाँ पे कॉपीराइट से। एंड उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट में आकर के कॉन्ट्रेस्ट दिखाई दे रहा है, सिचुएशन दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे वाइब्रेंस दिखाई दे रहा है, तो ये सब को ज़्यादा कम करके सिंपली एडजस्ट कर लेना है, ताकि पहले वाला वीडियो था उससे मैच नहीं होना चाहिए। पहले वाला वीडियो का
कलर यहाँ पे फीका था एंड ये वाला वीडियो का कलर अभी आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे हो गया है। तो आप लोगों को इस प्रकार से आप लोगों को ज़्यादा कम करके एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद अब आप लोगों को मतलब कि इस वीडियो के मामले में कॉपीराइट नहीं आएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे ऑडियो के जगह पे क्या रहेगा एंड ऑडियो के मामले में मतलब कॉपीराइट से कैसे बचना है, तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके मिक्सचर दिखाई दे रहा है, मिक्सचर में साउंड को बिल्कुल ऑफ कर देना है, क्योंकि जो भी इस गेम का साउंड बनाया है वो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम दे ही सकता है। तो आप लोगों को साउंड को बंद कर लेना है। साउंड को बंद कर लिए तो अब साउंड के जगह पे क्या रहेगा, तो अब आप लोग चाहो तो यहाँ पे वॉइस ओवर कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो वॉइस ओवर तो आप लोग यहाँ पे उसका भी मैं बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ वॉइस ओवर वालों के लिए। तो आप लोगों को यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके वॉइस ओवर कर लेना है, जैसा कि मैं करके बता देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मेरा स्टार्ट वाला पोजीशन आता है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पे किया हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे ट्रेन को चला रहा हूँ। यहाँ पे एक डब्बा को उठा करके इस डब्बे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे रख लिया हूँ एंड दूसरे डब्बे को भी मैं यहाँ पे उठा कर रख लेता हूँ। तो ये मेरा ट्रेन का मतलब स्टार्ट हो गया है एंड ये ट्रेन आगे जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये ट्रेन आगे आ गया है एंड उसके बाद ये दूसरा गेम आ गया है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टेलीफोन से एक कार्ड निकलता है। कार्ड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे सेव को देना है। मतलब इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा वीडियो में वॉइस ओवर कर लेना है। 2-3 मिनट मैं यहाँ पे लगातार किया हूँ, 25 सेकेंड आप लोगों को मतलब कि रुक रुक करके कर लेना है 2-3 मिनट। तो यहाँ पे वॉइस ओवर हो गया। अब आप लोग चाहो तो वॉइस ओवर को भी एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नीचे एक वॉइस ओवर बन गया है, इसका अगर साउंड कम है तो मिक्सचर में जा करके साउंड बढ़ा सकते हो एंड सिंपली बैक आ जाना है एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो आप लोग अपने आवाज़ को भी एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको आवाज़ नहीं करना है मतलब जैसे मैं बताया हूँ वॉइस ओवर करना, तो आप लोगों को वैसे नहीं करना है, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोगों को अपने फोल्डर से एक नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब कि सिलेक्ट कर लेना है। अब आप लोग पूछ रहे हो कि नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से आएगा मेरे फोल्डर में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सिंपली उस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक लिया जाता है। तो आप लोग उसे डाउनलोड करके एंड यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो अब आप लोगों का मतलब वीडियो हो गया तैयार। अगर आप चाहते हो वॉइस ओवर करना तो वॉइस ओवर कर सकते हो, अगर आप चाहते हो म्यूजिक लगाना तो म्यूजिक लगा सकते हो। अगर आप और कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को लेयर का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से दिखा सकते हो। बट मैं उतना ज़्यादा अभी नहीं करने वाला हूँ, जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल बताया हूँ। तो आप लोगों को अब वीडियो बनकर हो गया तैयार। अब आप लोगों को यहाँ कॉर्नर में शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक बढ़िया रेजुलेशन देख लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे 1080p हो गया एंड यहाँ पे 60 हो गया। इसे सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे इस एरो को अगर आपके पास कम डाटा है तो कम कर लीजिएगा, अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है तो ज़्यादा करके एंड यहाँ पे आप लोगों को सेवेज वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा एंड आप इसी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि कहाँ से इस प्रकार के वीडियो को कॉपी पेस्ट किया जाता है, तो आप लोग भी इस प्रकार से कर सकते हो। आज से एक नया चैनल बनाइए एंड उस चैनल पे आप लोग इस प्रकार का वीडियो अपलोड करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे 100 वीडियो से 200 वीडियो आप लोग जाते जाते यहाँ पे 10-20 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लीजिएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को प्रूफ बता दिया हूँ। एंड पहला वीडियो डालते ही इस चैनल पर वायरल हो जाएगा। एंड मैं अब आप लोगों को बताता हूँ वीडियो वायरल कैसे करना है। तो वीडियो वायरल करने के लिए आप लोगों को सबसे बड़ा हाथ होता है कैटेगरी का, मतलब कैटेगरी किस इंसान के पास वो वीडियो भेजे ताकि वो इंसान देखे। तो इस वीडियो को भेजने वाले हैं बच्चे के पास, तो बच्चे का कैटेगरी होता है एंटरटेनमेंट, क्योंकि बच्चे कुछ सीखने के लिए नहीं आते हैं, बस एंटरटेन करने के लिए आते हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, कुछ देखते हैं मतलब कि ये सब वीडियो को देखते हैं। तो उसका कैटेगरी एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेना है। एंटरटेनमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों को वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देना है, तो वीडियो वायरल होगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर दीजिए। एंड जो मैं आप लोगों को बताता हूं नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक लेना, वो आप लोग सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को फुल वॉच कर लेना एंड आप लोग यहां पे लेकर के लगा लेना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय टेक जय टेक्निकल।